वो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा रेस्टोरेंट देख लूं। हाँ हाँ जरूर, बल्कि हम खाना भी वहीं खाएंगे। ठीक है। आखिर ये लड़का किन चक्रों में, लेट हो गया, अभी तक घर नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। हसन तुमने मुझे बहुत परेशान किया, मैं मरियम से कहती हूँ वो कॉल करे उसे। मरियम, 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 तो आप ये चाहते हैं कि मैं घर बैठे बैठे आपके ऑफिस का काम करूं? हाँ, तो उसमें बुराई क्या है? आपको ऑफिस से या ऑफिस के लोगों से प्रॉब्लम है ना, मुझसे या काम से तो नहीं? आप घर बैठकर सारा काम मैनेज करें, मैं आपसे फोन पे कांटेक्ट में रहूंगा और आपकी सैलरी जो है वो घर पे दे जाऊंगा मैं। इस मेहरबानी की वजह मैं पूछ सकती हूँ आपसे? बिना, क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतनी बातें कर रही हो? अम्मी, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी के लिए बिना मकसद के कुछ नहीं करता, और जिस तरह की ये जॉब की मुझे ऑफर दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये हम पर मेहरबानी करना चाहते हैं, और इस मेहरबानी की कोई वजह नजर नहीं आ रही मुझे। वजह है, वजह अरे वजह बताए बगैर चले गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी बहस करने की? हाँ तक नहीं आए। आ जाएगी यार, आ जाएगी। क्या बात है बेटा, तू अभी तक सोया नहीं? मम्मी अभी 11 भी नहीं बजे और आप कह रही हैं कि सो जाओ। अच्छा, मरियम नहीं आया अब तक? नहीं। अच्छा वो रिजवान सो गया? हाँ बेटा, वो तो शाम 7 बजे से ही सो गया था। तू भी अब चल के सो जा। जी। हेलो मरियम, तुम अभी तक आई नहीं? हाँ बस आ रही हूँ। क्या हुआ, खैरियत? रिजवान तंग तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों क्यों? अरे आज तुमने मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट जाना था ना डिनर करने, तुम ही ने तो कहा था। हाँ मुझे याद है। अब एक काम करो, तुम अपना बर्थडे एंजॉय करो, हम किसी और दिन चलेंगे।
अब मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? बाय। मोहब्बत नाम है तेरा, बाय। तुझे मांगो निगाहों में तेरा चेहरा। अम्मी, अम्मी आप मुझसे क्यों लड़ रही हैं? सर हसन की वजह से लड़ रही हैं मुझसे? क्योंकि तुम गलती पर हो। मैंने क्या गलती की है? घर में रोटियों के लाले पड़े हैं, तुम्हें जॉब तक नहीं मिल रही है और मैंने भी काम छोड़ दिया है। और वो भला लड़का हमें हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार है, तुम्हें घर बैठे जॉब की ऑफर कर रहा है और तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं आप नहीं समझेंगी। सब कुछ समझ रही हूँ मैं, सब कुछ समझती हूँ मैं। बड़ी हो गई हो ना तुम, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि तुम्हें माँ के मशवरे की कोई अहमियत ही नहीं लगती। ठीक है, फिर मर्जी है तुम्हारी, जो कुछ करना है करो, जो मन में आता है करो। अम्मी, तुम आ गई? तुम अब तक जाग रहे हो? तुम्हारे ही वेट कर रहा था। आज हम लोगों ने डिनर करना था रेस्टोरेंट में। हाँ वो तो मुझे पता है आमिर, पर मैंने तुम्हें कॉल तो की थी कि हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। मगर मैं अपनी बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा था। खाना खा लिया तुमने? खाना तो नहीं खाया, पर तो डेट भी चली गई। अच्छा काम करो, इधर बैठो। बैठो और मैं अभी आता हूँ। ठीक है आमिर। Hi mom. शुक्र है कि तुम आ गए। कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ मैं? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ था मॉम। तुम्हारे तो कोई दोस्त नहीं, ये कौन से फ्रेंड्स आ गए? बिजनेस के फ्रेंड हैं ये। अब नया बिजनेस करना है तो फ्रेंड तो बनाने पड़ेंगे ना मॉम। बहरहाल मरियम को कॉल कर लेना, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अभी गई। अब जरा देख लेना, मिल लेना उससे। चले ठीक है, मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके। माँ को बेवकूफ बना रहा। अब सिर्फ बेइज्जती और बुरा भला ही सुनने को मिलता है। मैं बदल दूंगा तुम्हारी जिंदगी। आओ। बैठो। थैंक यू। यू वेलकम। कैंडल लाइट डिनर? यस।
Food is really yummy. ये सारा खाना मैंने नहीं बनाया, रेस्टोरेंट से मंगवाया. Thank you so much, Amir. You really make me feel special. You are special. आप बर्थडे तुम्हारी है और खातिर मेरी. मेरी सारी जिंदगी ही तुम्हारी है. अब अपनी जिंदगी का एक साल तुम्हारे बगैर सेलिब्रेट कैसे कर सकता था मैं. मेरी आदतें खराब मत करो आमिर. इतना स्पेशल फील मत करवाओ. मुझे इतनी केयर की आदत नहीं है. अब सिर्फ बेइज्जती और बुरा भला ही सुनने को मिलता है. मैं बदल दूंगा तुम्हारी जिंदगी. तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जहां सिर्फ प्यार ही प्यार. नहीं है हमारे पास, इसलिए से गुजारा कर लो. हैप्पी बर्थडे अमर. आज मेरा बर्थडे वाकई स्पेशल हो गया. यही अरमान है मेरा कि दिल में नाम हो तेरा. ज़ाहिर आँख से कुछ हो तू ऐसा राज हो गए. अरे सारे क्या कर रही हो? सारा चलो यहाँ से. मैंने क्या बोला था? जी शाही साहब. जी जी सब खैरियत है. मुझे असल में आपसे कुछ मालूम करना था, लेकिन बहुत होशियारी से ये बात किसी और को पता ना चले. जी मैं पूछना चाह रही थी कि Thank you.
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज के बाद अगर तुमने मरियम के साथ बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ जितनी नरमी से पेश आ रहा हूं, तुम उतना ही बुरा कर रही हो। आखिर मरियम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अब फैसला हो गया, तुम्हारे डैड आएंगे, मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं डैड के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरे प्रिंस हो ना, मेरे प्रिंस, उस ईवल के नहीं। तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे, बोलो ना, सिर्फ मेरे साथ रहोगे ना। मैं मरियम का था, मैं मरियम का हूं, और मैं मरियम का रहूंगा। नो 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 नो, मैं उसे जान से मार दे। अरे खेल, अरे खेल, कहां जा रही हो, क्यों परेशानी बढ़ा रही हो मेरे लिए? मैं उसे जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। छोड़ो सारा, 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 सारा। आज के बाद अगर तुमने मरियम से बदतमीजी की ना, तुम क्या सोच रही हो? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस। ऐसे कुछ ना कुछ तो सोच रही हो। आमिर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे और सारा के बीच में आ रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मरियम? एक्चुअली सारा हमारे बीच में आ रही है, बल्कि तुम सारा को हमारे बीच में ला रही हो। आमिर, कल रात के रिएक्शन के बाद आमिर तुम ये सब कह रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना चाहती है और तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सारा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना समझती है, सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना। जैसे उसके पास वो बेर है ना, बिल्कुल वैसे जैसे वो जहां चाहे रख देती है, उसके साथ जैसा चाहे सलूक करती है। वो जिंदगी भर मुझे अपने डैड का दिया हुआ खिलौना ही समझती रहेगी। एक जानदार इंसान नहीं, सिर्फ एक बेजान खिलौना, जिसके ना तो उसे कोई जज्बात महसूस होते हैं, ना कोई दुख, ना कोई खुशी। जब वो खुश होती है तो वो समझती है कि मैं खुश हूं, और जब वो दुखी होती है तो वो समझती है कि मैं भी दुखी हूं। बस और कुछ नहीं, एक खिलौना हूं मैं उसकी नजर में, चलता फिरता खिलौना, और कुछ हैसियत नहीं है मेरी उसकी नजर में। और तुम चाहती हो कि मैं उसके इस खेल में एक खिलौना बना रहा हूं, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात उसके लिए कुर्बान कर दूं? नहीं मरियम, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता अपने साथ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे साथ ही मेरी और इस घर की खुशियां जुड़ी हैं मरियम। कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैं समझ रही हूं आमिर, सब समझ आ रहा है मुझे।
क्यों नहीं खाना? क्यों खाया तुमने खाना उसके साथ? हाँ बोलो, क्यों खाया? मेरी मर्जी। देखो इस बात को यहीं खत्म कर दो, और खाना खाना है तो खाओ, वरना ऐसी भूखी बैठी रहो।